शैडो भाई साहब सबसे खतरनाक भैया सिंडिकेट टावर शैडो बीक मरने वाला है भाई। एंड फाइनल बेलेन और लिब्रो 50 लेवल की मर जाएगी भाई साहब, 4 मिनट में लगभग 60% एचपी कम कर दी है, मर जाएगी। फाइनली आ चुके हैं एक और न्यू टावर तोड़ गेम प्ले के साथ। तो भैया आज के गेम में हम मारने वाले हैं शैडो बीक एंड विक्टर, इन दोनों को मार दिया, मतलब गाइस उसके बाद चलेंगे हम बेलन और लिब्रो को मारने। दरअसल गाइस सीन क्या है यार, मेरा भी एक ही सिंडिकेट टावर बचा है जो कि शैडो बीक वाला है, एंड शैडो बीक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है आप लोग जानती हैं। तो फिलहाल के लिए यार मैंने अपने जो है 5 जेट ड्रैगन को बहुत ज़्यादा बीस्ट कर दिया है, बोले तो इन्हांस कर दिया है, पावर बढ़ा दिए भाई साहब। तो आज जो है हम उसको फायर लेन चलेंगे, हालांकि मुझे इसने बहुत बार मारा है लेकिन आज मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। और गाइस इसको जो है पूरी कोशिश रहेगी कि हम इसको आज मार दें। सो यार गाइस आ चुके हैं हम सिंडिकेट टावर की तरफ। तो भैया खाना वाना देख लिया, कुछ लेके आया हूँ, हालांकि जितना काम चल जाएगा। एंड गाइस ये टावर ऐसे बोलते हैं पाल जेनेटिक रिसर्च यूनिट टावर, और ये लास्ट और सबसे ताकतवर टावर है। एंड गाइस इसके बाद जो है न्यू अपडेट अभी एक्सबॉक्स में तो आ गया, एक्सबॉक्स में आ गया लेकिन हमारे पास नहीं आया, तो फिलहाल के लिए उसकी बातें आगे करेंगे। लेकिन गाइस आ चुका है जिससे हमारी होने वाली है फाइट। भाई साहब क्या गजब की शानदार थीम है, क्या बात है भाई, सबसे खतरनाक है और सबसे प्यारा लग रहा है देखने में कैरेक्टर। अन्य अपनी पोकेबॉल फेंकी, ये रहा शैडो बीक। भाई साहब गॉड भाई खतरनाक दिख रहा भाई शैडो बीक लिटरली। एंड गाइस चलो भाई अपने जेट ड्रैगन पहले भेज देते हैं। लो भैया, अरे भाई 2000 का लगभग डैमेज दिया जेट ड्रैगन, भाई आते ही चढ़ गया भाई एकदम। अरे यार मुझको शील्ड खा ली भाई, यार ये मेरे को मारता है शैडो बीक। यार अटैक कुछ ऐसे हैं कि ये जो पिलर लगे ना ये भी नहीं रोक पाते। चलिए 1200 का डैमेज, अगर ये लगातार 2000 का डैमेज देते ना तो इसको आराम से मार सकते हैं भाई साहब। सही डैमेज पड़ा 1700 का। ये लोगों ये अटैक बहुत तगड़ा है इसका, अगर इसकी चपेट में आया तो मेरा गेम ओवर। बचो, इन सब अटैक से बच सकता हूँ, बस इसकी जो तो लेज़र है ना, फायर लेज़र, डार्क लेज़र, और एक भाई साहब और मारता है आइस वाला, आइस कटर बहुत खतरनाक है भाई। हमारा जेट ड्रैगन सही मार रहा है भाई, अभी तो पहला जेट ड्रैगन तो सही दे रहा है और कुछ खास डैमेज भी नहीं हुआ। डैमेज सिर्फ इसका दो ही अटैक ज़्यादा देते हैं, एक वो मारता भाई गोले, ये अटैक भाई वापस बुलाना पड़ेगा, मुझे कवर लेना पड़ेगा क्योंकि इसके गोले मुझे ही मारते हैं भाई। मारने लगा हमारा जे भी जेट ड्रैगन आते ही मारना चालू कर दिया, अच्छा डैमेज दे रहा है, कोई मतलब ऐसी बात नहीं कि डैमेज कम दे रहा है, डैमेज सही दे रहा है हमारा ये वाला जेट ड्रैगन। एंड बूम गाइस भाई, बच्चों भाई आग तो लगा दिया है जेट ड्रैगन का भाई साहब, बहुत मैंने पावर एनहांस कर दिया है भाई। इसका जिगल तो बहुत तगड़ा है लेकिन जो है इसका अटैक थोड़ा अवेट करेगा क्योंकि इसका अटैक जो है रिस्टोर हो रहा होगा। हाफ एचपी हो चुकी है, हाफ एचपी आराम से हो चुकी है, लगभग हाफ एचपी हो चुकी है, अभी भी 6 मिनट कुछ सेकेंड बाकी हैं, हरा देंगे, उम्मीद तो हरा देंगे, बस मुझे बच के रहना पड़ेगा भाई साहब, इसने मेरी सील तोड़ रखी है। एंड भाई जेट ड्रैगन हमारा संभाल लेगा मोर्चा, सही मार रहा है, डैमेज दे रहा है जेट ड्रैगन भाई, खतरनाक तरीके का डैमेज दे रहा है भाई। ये फायर का गोला अच्छा डैमेज देगा भाई, लगभग 2500 का डैमेज दिया। नहीं ऐसे इस अटैक से भाई जेट ड्रैगन हमारे कुछ नहीं होने वाला, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पावरफुल है जेट ड्रैगन भाई। मेरे को आया भाई ये अटैक मुझे, मैं गया भाई जे जिगल, चलो बच गए भाई। मैं यार इसका जेट ड्रैगन की मिसाइल से भी हमला कर सकता हूँ ना, लेकिन यार गाइस ये मिसाइल से गिरता नहीं है, बाकी और कोई किसी पोकेमोन से अगर मिसाइल से मारोगे ना, चाहे हाथी क्यों ना हो, बोला सब गिर जाते हैं ज़मीन पे। मैंने लुढ़क पड़ा, अबे अरे जमा दिया यार, मैंने बोला ना ये बहुत गलत अटैक है यार, मेरी अभी शील्ड भी नहीं है मेरे पास, मुझे थोड़ा बच के रहना पड़ेगा वरना यहाँ पर मेरी पीएटी बनने में वक्त नहीं लगेगा। सो भाई लोग जब तक आप मेरी शील्ड बन रही है तब तक आप लोग लाइक के बटन को दबा दो, और कुछ मतलब यार मुझे कमेंट करके बताना गाइस अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो मेरी। यार हाँ मुझे नया बेल्ट लगा नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं मुझे अपडेट मुझे कंफर्म नहीं आया कि नहीं आया। फिलहाल के लिए मैंने देखा है यूट्यूबर का, जैसे कि डेट्रैक्स का तो अपडेट आ गया है, उसने पैलेडियस के साथ यार नया बेल्ट चालू किया भाई साहब, मतलब पैलेडियस से उसके बाद हालांकि एक लेवल के थे लेकिन पैलेडियस और नेक्रोमस के साथ उसने नया बेल्ट चालू किया। वो कैसे करते हैं थोड़ा कमेंट करके बताना भाई लोग, किसी को अगर आइडिया हो, मैंने बहुत रिसर्च की लेकिन मेरे को वो चीज़ नहीं मिली, थोड़ा बताना मुझे। हो या अभी विंडो में अपडेट नहीं आया है, अभी सिर्फ एक्सबॉक्स में आया है,
जैसा भी है मेरे को बता दी। फिलहाल एक्सबॉक्स में तो आ गया 100% क्योंकि ट्रेट्रैक्स एक्सबॉक्स में ही पालवर्ड खेलता है तो उसका तो आ चुका है। तो फिलहाल के लिए गाइस लगभग हमने जो है 60% ज़्यादा इसकी एचपी हमने लो कर दी है। नहीं नहीं नहीं, मेरी शील्ड आ गई है। अपना जो है भाई साहब इसको बुलाते हैं, बनाए पेल देगा उसको। नहीं 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 नहीं, अरे यार ये लो लिया अटैक यार, ये अटैक इस यार ये अटैक बहुत भीषण। भाग भाग, एक गोला खा, मिसाइल बहुत लेके आया तुम्हारा भाई। ज़रा आ गया, चल बेटा। अरे मिस हो गई यार, 2000 का डैमेज पड़ता भाई साहब। मैंने बाबा वो बच गया यार, ये अगर मेरे पर लग जाती ना तो मेरी शील्ड के साथ साथ मेरी आधी एचपी भी चली जाती। आइस क्रस्ट बहुत तगड़ा है, देखो मेरे को मारने आ रहा है भाई। कितना ये लो, लेज़र मारेगा, लेज़र मारेगा, फायर लेज़र। बस बस मुझे इससे बचना है भाई साहब। ये इसके पिलर के आर पार मार देता है, इतनी शक्तिशाली लेज़र है इसकी। नहीं नहीं नहीं, इससे बचना है, ये बहुत तगड़ा अटैक है। चलिए गाइस इस बार मिसाइल लगी मेरी। जेड ड्रैगन भाई फ्रॉस्ट चिलन का जो अटैक है ना वो अंडर 100 रहता है, मतलब 90-80 जो सबसे ताकतवर फ्रॉस्ट चिलन है उसका अटैक बता रहा हूँ 90-80 रहता है। लेकिन जेड ड्रैगन का अटैक भाई 170-180, तो बहुत शानदार अटैक है इसका। ये भाई आते ही, इससे कहते हैं ना बवाल अटैक। 3 मिनट बचे हैं यार, हरा दूंगा मैं इसको, हरा दूंगा भाई। क्या लगता है हरा दूंगा गाइस? 3 मिनट बचे हैं भाई, एचपी भी इसकी लगभग काफ़ी बची है, मतलब काफ़ी इन 80% एचपी ख़त्म कर दी, 20% बची है भाई साहब। जेड ड्रैगन भाई लो लो, ये भी हाफ एचपी हो गया। चल तू जा बेटा, कोशिश रहेगी कि मेरा कोई भी जेड ड्रैगन ना मरे, ट्राई करूँगा। लेकिन यार शैडो भी बहुत पावरफुल है बेटा, मेरे पास आ रहा देखोगे तो हरामी है। इस अटैक से बचना पड़ेगा, ये अटैक में अगर मैं आया, इसका आइस अटैक है, इसमें बर्फ का जम जाऊंगा। अरे लेज़र मारेगा, मुझे बचना है बचना है बचना है, बच गया। ये ले बेटा, यार इसके कहाँ अटैक ऐसा मारूं जिससे कि ज़्यादा डैमेज हो भाई। 1200 का डैमेज हो रहा है यार, बताइए मजाक है क्या? अरे यार कभी 2000 का, कभी 1900 का, कभी 1200 का यार। और हमारे पास भी है शैडो भी, उसको हमने इन्हांस भी करा, लेकिन उस हमारे शैडो की तो पावर ना गाइस वो लिमिटेड है, डार्क टाइप की ही अटैक करता। लेकिन भैया ये शैडो भी तो भाई पता नहीं कौन कौन सी अटैक करता है, मेरे को नहीं पता। फायर टाइप, डार्क टाइप एंड आइस टाइप, वाटर टाइप, सारे अटैक मिलता है। ये ले बेटा भाई, अरे ये बहुत तगड़ा डैमेज दिया ये वाला, 1200 का डैमेज था ये मेरी मिसाइल का, लगभग मरने वाला है। देखो यार ये जेट ड्रैगन हमारा स्लो पड़ गया। अरे यार नहीं 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 नहीं, मारा 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 मारा, बहुत सही मार बेटा इस बार। रे बाबा, इससे बचना बहुत मुश्किल है। बहुत सही भाई, काफ़ी ज़्यादा हमने इसको डैमेज दे दिया है। एंड गाइस थोड़ा एचपी बचा ये मिसाइल के। बूम गाइस, पहली बार शैडो बी को गाइस हमने मारा और हराया है। और ये लास्ट टावर था गाइस, इसको भी हमने फतेह हासिल कर ली, जीत ली। अब हमारा बस जो टारगेट बचा है बैलेनियर लिब्रो एंड बैरेलियर लिब्रो अल्ट्रा। ऐसा अल्ट्रा वाली तो भाई मैं नहीं पता कैसे मार पाऊंगा, लेकिन बैलेनियर लिब्रो को तो मैं भाई साहब मार सकता हूँ। मैं शैडो बी को अगर मार दिया तो लिब्रो को भी मार सकता हूँ, क्योंकि दोनों लगभग सेम है। बस लिब्रो का थोड़ा सा अटैक ज़्यादा है, ज़्यादा इन द सेंस भी इसलिए है क्योंकि झुंड में बन के पोकेमोन लड़ते तो एक ही अटैक में सबको मार देती है। एंड गाइस पहले हम अपने सारे पोकेमोन को, भाई हमारा एक पोकेमोन शहीद भी हो गया भाई, ये शायद कब हो गया, थोड़ा बहुत डैमेज पड़ा होगा अंदर पोकेबॉल में जाते जाते, अटैक शहीद हो गया होगा। चलिए गाइस इनको खाना वाना खिलाते हैं एंड गाइस चलेंगे बैलेनियर लिब्रो की तरफ। सो यार गाइस अब चल के फटाफट यार बैलेनियर लिब्रो के लिए बेस बना लेते हैं, जिस बेस पे हमारी बैलेनियर आएगी और समन होगी। तो गाइस उसके लिए हमको बस कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीका है गाइस, यहीं बना देके छोड़ देते हैं और जब तक हमारे पोकेमोन बना रहा है तब तक चल के इस सिजाको की हालत ख़राब कर देते हैं। सो यार गाइस हम अपने बेस पे जो छोड़ने वाले हैं, पहले सारे जेड ड्रैगन छोड़ेंगे, मतलब टोटल जेड ड्रैगन की आर्मी छोड़ेंगे। एंड जेड ड्रैगन अगर मर गए तो उसके बाद दूसरे पोकेमोन छोड़ेंगे, क्योंकि जो सबसे ताकतवर है वो जेड ड्रैगन ही है, मतलब बैलेनियर के लिए, क्योंकि ये भी फ्लाइंग है वो भी फ्लाइंग है, तो इनके अटैक मिस नहीं होंगे जेड ड्रैगन के। और बाकियों के जो शॉट्स हैं, मतलब अटैक्स हैं, वो काफ़ी मिस हो जाते हैं, जैसे कि फ्रॉस्ट चिलन के 2 शॉट मिस हो जाते हैं, सिर्फ एक ही लगता है कनेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पर जो जेड ड्रैगन भाई, इसका एक भी अटैक मिस नहीं होगा,
एंड गाइस सारे के सारे हम यहाँ पर जेट ड्रैगन छोड़ देते हैं एंड उसके बाद समन करते हैं बेलनर लिब्रो का पत्थर। सो गाइस यहाँ पर जो है बेलनर को पत्थर को हमने डाल दिया एंड गाइस डालने के बाद में अब करना है इसको समन एंड बूम गाइस समन हो चुकी है। बस मुझे क्या करना है, थोड़ा सा दूर रहना है और अपनी मिसाइल से मारनी है इसको। अटैक अरे मिस होगी भाई, थोड़ा भाई अटैक यार, पहला अटैक देख के तो ऐसा लगता है कि 2 मिनट में मार देंगे, लेकिन उसके बाद ये भाई मेरा लैग देख रहा गाइस, लैग देख रहा मेरा भाई गाइस, क्या लैग करा था अभी मेरा, आप लोगों ने देखा गाइस, मतलब मेरे में भाई इंटीग्रेटेड और डेडिकेटेड दोनों ग्राफिक्स कार्ड लगे हुए हैं भाई साहब, उसके बाद भी भाई साहब अटैक देख रहे हो, और इवन 16 GB रैम भी लगी हुई है मेरी भाई, उसके बाद इतना खतरनाक लैग हो रहा भाई साहब, तो आप लोग इमेजिन कर सकते हो भाई इसके लिए कितना हाई कंप्यूटर की ज़रूरत होगी भाई। 2 GB का ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है, 56 GB का मतलब AMD का राइजन का प्रोसेसर लगा हुआ है, उसके बाद भी गाइस इतना गंदा लैग भाई, मैं तो भाई पैसा बर्बाद मेरा तो सारा। तो फिलहाल के लिए गाइस कोई बात नहीं, कहता लैग नहीं हो रहा है, हम उधर बसड़ में नहीं घुसेंगे गाइस, अगर बसड़ में घुसेंगे तो फिर से लैग हो जाएगा। अब भाई पहला जेट ड्रैगन मारा गया, स्टेगन को भेजते हैं, 50 लेवल का है ये भी, फ्लैंक टाइप का है, इसके भी अटैक बढ़िया है, ये तो भाई पीछे से मारने पर लगा है भाई, एस्ट्रागन बहुत भारी है भाई साहब, भाई भाई दे अटैक देखो भले अटैक, अरे बाप रे, एक और मारा गया जेट ड्रैगन भाई यार, मतलब मार देंगे उम्मीद तो यही है गाइस, अभी तो 8 मिनट में भी, मतलब 8 मिनट बचे लगभग, और डैमेज हमने 30% से ज़्यादा दे दिया है। एक काम करते हैं अभी फ्रोस्ट चैलेंज यार, चलो ठीक है अभी जो जा रहा जाने दो, ये कहाँ से आ गया भाई सुजाकू आ जाओ, अरे भाई, अरे भाई ये अटैक 6-7 मार दिए, अरे 8 मार दिए, फ्रोस्ट चैलेंज आधी आर्मी निपट गई, आधी ज़्यादा निपट गई भाई, भाई भाई जल्दी बदलो भाई वरना सब मर जाएंगे, अरे यार ही क्या हुआ यार, जेट ड्रैगन ही पावरफुल थे अपने भैया, जा फ्रोस्टल भेजते हैं भाई साहब, भाई साहब जेट ड्रैगन मार दिया, लेकिन जेट ड्रैगन काफ़ी तगड़ा अटैक दे रहे थे, जमा दिया, मिस हुआ क्या, नहीं पता नहीं चला, मुझे लगा कि नहीं लगा, मेरे को मार रही है साली नूबड़ी, मार देंगे यार 7 सेकेंड है, अगर मतलब 2.5 मिनट में हम आधी एचपी कर सकते हैं तो 7.5 सेकेंड में आधी, अरे नहीं बाबा बाबा बा भाई मेरे को मार रही है भाई, मेरे को मार रही है गाइस, मेरे को मार रही है, देखो कितनी हरामी है बेलनियोर, मेरे को मार रही है साली हरामखोर, तेरी ऐसी की तैसी, मारो, अरे भाई जेट ड्रैगन एक और गया, अरे यार जेट ड्रैगन ही ताकत भर है यार इसके अगेंस्ट में, नेक्रोमस, अरे भाई सारे भाई जेट ड्रैगन भी गए भैया, भैया जा जा तू जा, अरे यार कहाँ गया जेट, छोटा छोटा, अरे भाई जो आ रहा जा ना कोई तो जाओ, अरे यार प्लेटिया सा, चलो चलो भाई यार ये भी 50-50 लेवल के हैं, 50 लेवल का बहुत पोकेमोन है मेरे पास, मारो सालो जल्दी मारो, लगा 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 मिसाइल लगी, अब की बार लगी मिसाइल लगी, हाँ लग रही मिसाइल लग रही, नहीं लगी, मिस हो गई, मैं एक बार बदल देता हूँ, मेरे मर गया यार कितने भोग, उनको बचा मरा अभी तो नहीं मरा भाई साहब, अरे जो ड्रैगन कितने मर गए, जेट ड्रैगन को डालो, जेट ड्रैगन ये जो कुछ कर सकते हैं भाई, अरे प्रोस्ट्रेलियन देख रहा बच्चों की तरह मर रहा है, अरे यार प्रोस्ट्रेलियन भाई मेरे यार, ये अटैक इसका बहुत खतरनाक है भाई साहब, ये मारा हमारा हाइड्रो पंप, ये भाई आइस अटैक माँ की हाँ, ये लगा भाई लगा, ये लगा 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 लगा, ये गोला तो लगा था भाई, लिटरली बता रहा हूँ ये वाला लगा था अटैक, 4 मिनट बचे हैं गाइस और लगभग 20 HP बची है इसकी, प्रोस्ट्रेलियन जा जल्दी, तुआ 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 जेट ड्रैगन जो जो भाई तू जा जेट ड्रैगन, एंड भाई साहब लगभग 20% HP बची है, मार देंगे यार आराम से मार देंगे आराम, लेकिन मर भी बहुत तेजी से रहे, लेकिन यार ये वाले मर भी रहे, 60,000 HP बची है लगभग, मार देंगे भैया जल्दी जल्दी जल्दी, तू भी निकल
भाई तुआ 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 ए भाई के सब जिंदा है ऐसे कौन उधर आजा मार देंगे यार मार देंगे आराम से मार देंगे 70,000 एचपी बची है भाई 3 मिनट बचे हैं एचपी 70,000 से भी कम बची है मार देंगे यार आराम से मार देंगे मुझे मत मार भाई मुझे मत मार तेरी माँ की मेरे पास ही आ गई साली नूपड़ी भाई 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 लग जा भाई लग जा मिस ना हो लग गया लग गया लग गया 1600 डैमेज दिया अब 2.5 मिनट बचे हैं यार 50,000 मार देंगे गाइस आज तो मार देंगे बेलानियर को लोल भाई और कम होगी 50,000 से भी कम होगी लोल अभी 2.5 मिनट से भी ज़्यादा है मार देंगे आराम से भाई बस मुझे अपने पाल्स बदलने हैं लगभग काफ़ी पाल्स मर गए 40,000 दिल्ली काफ़ी नहीं है तो बहुत अभी बस बेटा तुम लोग मारे रहो एक पैलेडियस एनुबिस एनुबिस तो हट एनुबिसा एंड ठीक है गाइस मार देंगे अरे यार जमा दिया अरे ये क्या इसकी एचपी बढ़ गई अरे अरे भाई इसकी एचपी कैसे बढ़ गई अरे भाई एचपी कैसे बढ़ गई इसकी अरे भाई कैसे एचपी बढ़ा ली भाई इसने जैसी अटैक करा जमाने वाला अरे एचपी इसकी बढ़ गई ये चीटिंग है भाई भाई 1,70,000 एचपी हो गई यार मार ही दिया था ऑलमोस्ट उसको हमने यार चीटिंग का भाई ये हुआ क्यों भाई ये कैसे हो सकता है भाई मैं मुझे नहीं पता यार कैसे हुआ यार ये तो भाई ये तो चीटिंग है ना यार वो भी भाई साहब मैंने इसे वक्त भी नहीं दिया ना कि थोड़ा देर वेट कर ले अपनी रिकवरी का लगातार भाई पोकेमॉन्स मारे पड़े हैं इसको बस एक सेकंड में इसने अपनी भाई 40,000 से 35,000 से 1,70,000 एचपी रिटर्न कर ली और भाई साहब 1,70,000 एचपी खाली करने में तो मेरी ऐसी तैसी होगी थी इसकी मेरे पास इतने खतरनाक पाल भी नहीं बचे 50 लेवल से कम वाले हैं वो बेचारे क्या कर पाएंगे इसका एक एक अटैक भी मरेंगे 50 लेवल वाला तो भाई कोई 49 लेवल वाला भी नहीं टिक पाएगा शेडो बिक गया तो है भाई कुछ नहीं 13-13 का स्पैमिंग डैमेज दे रहे हैं भाई साहब जेट ड्रैगन मार रहे थे क्या हो गया यार ये देखो ये भाई ये देखो ये अटैक ये बच्चे नहीं झेल पाएंगे यार उसका अटैक बताओ अरे यार गाइस ये तो बहुत यार क्या था ये बताइए गाइस कोशिश तो कर रहे हैं मार देने के अभी भी लेकिन हमारे पास अब उस लेवल के पाल्स नहीं बचे ना आज कहते नहीं पावर प्ले में अगर आपको तूफानी स्पीड मिल जाए ना तो भाई रन तो 250 बन ही जाते हैं तो यहाँ पर वही हुआ गाइस मैंने पावर प्ले में तो बहुत सी बल्लेबाजी कर दी बोलो तो मेरे खतरनाक जो पाल्स से 20 जेट ड्रैगन हो तो भाई अच्छा खासा इसकी ऐसी कैसी कर दी बाकी ने मोर्चा सही संभाला हमने 2.5 मिनट में हाफ एचपी कर दी बाकी 7.5 मिनट हमें हाफ एचपी करने दिया आराम से करते रहते अब तक तो मर भी गई होती यार लेकिन इसने अचानक से भाई ये अटैक किया जिससे हम सब जमे मेरे पालसर में और भाई साहब एक सेकंड में इसने 1,70,000 एचपी रिटर्न कर ली मुझे वो समझ ही नहीं आया यार कैसे हुआ ये 15 सेकंड बचे हैं बताओ यार जीत तो अब कहाँ जीत जाएंगे 15 सेकंड में यार लेकिन मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि भाई देखो ना भाई साहब भाई यार बहुत गुस्सा आ रहा भाई मुझे मैं इसको मार ही दिया था बे यार हट बे मर गया यार लोल यार टाइम ही खत्म हो गया सो गाइस कोई बात नहीं गाइस अगली बार से हम इसकी भी तैयारी करके आएंगे कि इसको कैसे सजा रहा है फिलहाल के लिए मेरा बेस है इस बार ने तोड़ दिया 30 लेवल वाले की बेचारा कोने भी नहीं पाती 1 मिनट मार देते हैं उसे मिलके लेकिन इस बार ने भाई चीटिंग करी और मेरा पूरा बेस भी टूट चुका है तो गाइस मैं अपने पहले बेस बनाऊंगा उसके बाद मैं अपने पाल छोड़ूंगा तो फिलहाल के लिए गाइस आज की वीडियो यहीं तक चीटिंग करी इसने इसलिए मार नहीं पाए कोई बात नहीं गाइस नेक्स्ट वीडियो में इसको पेल के जाएंगे फिलहाल के लिए आप लोगों से अलविदा लेना चाहूँगा मिलता हूँ एक और न्यू वीडियो में जब तक के लिए बाय बाय लव यू ऑल सब बखैर जय हिंद जय भारत वंदे मातरम लव यू ऑल